अच्छा लग रहा है? डॉक्टर ने कहा है आपको हमेशा यहाँ पर लेकर आने के लिए, अब अच्छा जल्दी ठीक हो जाओ। आरुषि, तुम्हें कितनी बार बोला है कि दादी को अपने कमरे से बाहर नहीं लाया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? दादी को पूरे टाइम कमरे में कैद करके तो नहीं रख सकते ना मम्मी? डॉक्टर ने कहा है दादी को खुली हवा में लेकर आने, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आरुषि, तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनकी देखभाल करने के लिए मैं यहाँ हूँ, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान रखो। देखा है मैंने, इतने दिनों में आपने इनका कितना ख्याल रखा है सब देखा है ना, आप इनको एक ग्लास पानी के लिए पूछते हो ना खाने के लिए, तो प्लीज। कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, और इतना ही शौक है इनकी सेवा करने का तो कॉलेज जाना छोड़ो और घर में बैठ के इनकी सेवा करो। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रही हो आरुषि पर? कितनी प्यारी है हमारी आरुषि, बच्चों को डांटते नहीं प्यार करते है ना आरुषि? दादी चलो, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। ओके चलो, मैं छोड़ देता हूँ, और आज तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा, चलो। इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। अच्छा हुआ राजन तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जब भी तुम्हारे बहू के करीब आता हूँ आप बेचैन क्यों हो जाती हैं आंटी जी? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारे स्वर्गवासी बेटे का दोस्त हूँ। अब दोस्त तो रहा नहीं, तो उसकी खूबसूरत बीवी और उसके परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। छोड़ो राजन, तुम भी क्या इनसे बात कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक जिंदा लाश है, तुम ना सिर्फ मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करो, चलो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? ये वही रिंग है ना जो मुझे पसंद थी, पर ये तो बहुत महंगी है, पूरे 5 लाख की। इतने सालों से तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ, कभी तुम्हारे खर्चों में कमी नहीं होने दी, तो ये 5 लाख की रिंग क्या चीज है वेंचर? इतना महंगा गिफ्ट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है ना? जरूर बनता है। सॉरी बाबा, अगली बार नहीं करूंगा ना। आर यू श्योर? यस। अच्छा चलो सुनो, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। ये भी कोई प्रैंक होगा? नहीं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पक्का? हाँ चलो। ये मेरी नई गर्ल, कैसी है? वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। तुम्हारे तो मजे हैं। नहीं, मजा तो तब आएगा जब तुम मेरे साथ इस गाड़ी में बैठोगी। चले चलो। तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट तो कमाल का था। तुम मेरे शौक पूरे करते रहो और मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक रिटर्न गिफ्ट देती रहूंगी। ओ, तो बेटा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है।
हाँ बोल। इतनी जल्दी बात हो गई? फोन कर रहा हूँ तुम्हें पैसे के लिए, तुम फोन नहीं उठा रही। तो सोचा हम तुम नहीं चले गए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम बाद में आना। कोई बात नहीं, पैसे नहीं तो तुम परेशान मत। नहीं ना। कितनी बार बोला है तुमसे, थोड़ा दूर रहकर मुझसे बात किया करो। लो कर लो बात। जब 20 लाख रुपए लेने थे तो कितने प्यार से बात कर रही थी, हाँ? और अब दूर से बात करने के लिए बोल रही हो? कब तक रोगे? रानी बना के रखूंगा तुम्हारा सारा कर्ज। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। तो समझ में नहीं आ रहा है, हाँ? प्यार से बात कर रहे हैं तो कुछ तुम थप्पड़ मारोगी हमें? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मेरे पैसे कम मिलेंगे, पैसे दिए पैसे चाहिए, समझे? फिर आ गया यहाँ। पिछली बार तुझे समझाया था कि इस घर से दूर रहना, लगता तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। बकवास बंद करो। एक बात बताओ, हम तो यहाँ अपने पैसे मांगने आए, तू क्या करने आया यहाँ पर? बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। ये तो जा रहा है, याद रखना 24 घंटे हैं तुम लोगों के पास। अगर 24 घंटे मेरे 20 लाख रुपए नहीं मिले ना, घर बेच दूंगा। रोड पे आ जाओगे तुम लोग? याद रख। हाँ ठीक है चल निकल। 24 घंटे निकल। हे भगवान, इतने कम समय में 20 लाख का इंतजाम कहाँ से? तुम चिंता मत करो मानसी। कैसे चिंता ना करे, वो हमें घर से बाहर निकालने की धमकी दे गया है। शांत हो जाओ मानसी। चिंता चिंता के समान होती सीठा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ एक डील करो जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम छुटके में जा सके। कैसी डील? क्या शादी? अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम हरीश को 20 लाख रुपए देकर मेरा सारा कर्जा उतार दोगे? यस रानी, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा, फिर तुम्हें घर से बेघर नहीं होना पड़ेगा। पर मैं शादी तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी आरुषि से करूं। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, ये डील तुम्हारे फायदे के लिए है। शादी तो तुम मुझसे भी कर सकते हो ना, आरुषि से क्यों? देखो मानसी, हमारा रिश्ता जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और रही बात शादी की, वो मैं तुम्हारी बेटी से कर लूंगा। इसमें तुम्हारे दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे परिवार से जुड़ जाऊंगा, और दूसरा तुम्हारे खर्चे ऐशो आराम और तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मुझे ये डील मंजूर है, मुझे तुम और पैसा दोनों चाहिए। तो फिर डील डन, आ जाओ। और बात रही आरुषि की, तो उसे मैं मना लूंगी। मानसी अपने बेटी की बलि चढ़ाने जा रही है। हे भगवान, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेना। दादी, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या आपको क्या? मैं एक मिनट। माँ, माँ क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? माँ
कुछ बोलो ना बेटा। रोऊं नहीं तो क्या करूं? हरीश के 20 लाख रुपए हमें 24 घंटे में लौटाने हैं, और अगर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारे इस घर को बेच देगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? दादी का क्या होगा? हम लोग बेघर हो जाएंगे। पर माँ, हरीश ये घर कैसे बेच सकता है? हमारा घर है बेटा। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद मैंने हरीश से 20 लाख रुपए उधार लिए थे, और उसके बदले मैंने अपने घर के पेपर्स दे दिए थे। अब इतने कम समय में उससे पैसे तो नहीं लौटा पाऊंगी ना, इसलिए वो ये घर बेचने के लिए कह रहा है। पर तुम इस घर को बेचने से बचा सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम राजन से शादी कर लो, वो हमारा सारा कर्जा भर देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं राजन जी से शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। आप प्लीज सोचो, आप क्या कह रहे हो? देख बेटा, मैं समझती हूँ कि तेरे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, पर तुझे एक ना एक दिन किसी ना किसी से शादी तो करनी है ना। तो फिर राजन से क्यों नहीं? देख, वो तुझसे शादी करने के बाद इस घर में रहने के लिए भी तैयार हो गया, तो तू अपनी दादी से भी दूर नहीं जाएगी, और फिर सब ठीक हो जाएगा, और ये घर भी बिकने से बच जाएगा। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ राजन से? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज, हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, ठीक है? जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा पक्का। क्या दूसरा रास्ता निकालेंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतने कम समय में उसे 20 लाख रुपए कहाँ से लाके देंगे? मतलब तुझे मुझसे और दादी से बिल्कुल प्यार नहीं है? तू चाहती है कि हम लोग सब घर से बेघर हो जाए? अरे इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। माँ, ये क्या है ये? ये क्या कर रहे हो? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, मुझे मर जाने दे। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं राजन जी से शादी करूंगी। मेरे लिए आपसे और दादी से हटकर और कोई नहीं है। थैंक यू बेटा, तूने मुझे मरने से और अपनी दादी को दर बदर भटकने से बचा लिया। थैंक यू। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही है। आज हमारी पहली रात, मैं अपनी सुहागरात को एकदम यादगार बनाना चाहता हूँ। सब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। राजन, तुम यहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे हो? आज तो तुम्हारी स्वागरात है ना? नखरा कर रही है तुम्हारी बेटी, स्वागरात मनाने से मना कर दिया उसने। काम डाउन स्वीटहार्ट, आरुषि नहीं है तो क्या हुआ? उसकी मम्मी तो है ना, हम स्वागरात मना लेंगे।
चलो। तीन लोग थी हमारी, तुम्हारा 20 लाख का कर्ज और तुम्हारे ऐश्वर्य के खर्चे के बदले शादी की थी मैंने उससे, तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात कैसे मना लूं? नहीं, इतनी बड़ी साजिश, आपने अपने ऐश्वर्य और पैसों के लिए मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, मैं शादी को नहीं मानती हूँ। तुझे ये शादी भी माननी पड़ेगी और सुहागरात भी मनानी पड़ेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये चाकू प्लीज, चाकू हटाओ, मैं कह रही हूँ चाकू हटाओ, प्लीज प्लीज दादी को छोड़ो। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस चाकू से तेरी दादी की गर्दन काट दूंगी। अब प्लीज चाकू हटाओ, अब जो बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज चाकू हटाओ, दादी को छोड़ दो प्लीज। क्या है ना कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज मुझे इतने दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे धोखा दिया, हाँ ऊपर से मुझे यहाँ से जाने को बोल रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने किसी और से शादी की क्यों? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, प्लीज ट्रस्ट मी। मुझे सफाइयाँ नहीं सुननी है, ना तो मुझे कुछ सुनना है ना मुझे कुछ समझना है, तुम्हें बस अभी मेरे साथ चलना होगा बस। लेकिन कोशिश करो प्लीज यहाँ से। मुझे कुछ नहीं समझना, तुम मेरे साथ चलो बस। चलो आरुषि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी पत्नी है, सब जान है मुझे। तुमने जबरदस्ती मेरी आरुषि से शादी की, सब जानता हूँ मैं। आरुषि बताओ इसे कि तुमने जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से शादी की है। मैंने ये शादी
करेंगे शादी, अपनी मर्जी से किया। सुन लिया ना तूने, अब नहीं करें यहाँ से। और सुन, दोबारा करे तेरा है ना तो मुझसे बड़ा फिर होगा। ओके बाय। अरुषि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं देख लूंगा तुम्हें। मैं वो सब करने को तैयार हूँ। अब मेरी दादी को कुछ मत करिए, मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी तकलीफ हो। आरुषि, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार। वो क्या है ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, इसलिए बहुत घबरा गई हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं एक अच्छी पत्नी बन सकूं और आपको एक अच्छी पत्नी का प्यार दे सकूं। अरे तुम्हारे सर पे तो चोट लगी है। रुको, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। आरुषि, मैं तुम पे खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक तुम हो कि मुझे समझती नहीं। प्लीज कोशिश करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वाओ, ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू स्वीटहार्ट। वाओ, कितना प्यारा नेकलेस है। थैंक यू। मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। बॉक्स दो। बॉक्स दो। ये नेकलेस तुम्हारे लिए नहीं है, आरुषि के लिए। और वैसे भी मैं तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दे चुका हूँ, अब बारी आरुषि की है। अब अपनी बेटी को पत्नी होने का सुख लेने दो। ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच राजन। तुम्हारे लिए कुछ। ये नेकलेस सच में कितना खूबसूरत है। अरे हमें डिनर के लिए बाहर भी तो जाना है ना। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि मैं तो बाहर जाने ही भूल गया। अच्छा चले चले। राजन ने सिर्फ 10 लाख दिए? कोई बात नहीं, एक दो दिन में 10 लाख और मिल जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। वो नहीं देगा। तुमको बेवकूफ बना के उसने तुम्हारी बेटी से शादी भी कर ली।
नहीं देगा पैसा, तुम्हें ही देना पड़ेगा पैसा, मेरा पैसा दो। क्या बकवास कर रहे हो? राजन मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता, और बात रही तुम्हारे पैसे की, वो तुम्हें मिल जाएंगे। निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा, अगर पैसे का इंतजाम ना हो ना बता देना, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ऐसे भी अब हमें 10 लाख नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और ही चाहिए। बकवास बंद करो अपनी, निकल जाओ यहाँ से। 10 लाख क्या बात है राजन, आज तो बहुत थके हुए लग रहे हो। ये लो जूस पी लो। हरीश आया था, कह रहा था कि तुमने सिर्फ 10 लाख रुपए ही दिए, उसे बाकी के पैसे भी दे दो। पता है वो कभी भी घर आ जाता है और कभी भी मुझे कॉल करके परेशान करता है। दे दूंगा, इसमें इतनी जल्दी क्या है? मैं देख रही हूँ शादी के बाद ना तुम बहुत बदल गए हो, मुझे वक्त ही नहीं देते। क्या करूं, तुम्हारी बेटी है इतनी खूबसूरत, उसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। अरे आरुषि मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। रुको, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वो क्या है ना शॉपिंग पे जाना है। जब देखो तुम पैसा पैसा करती रहती हो। बहुत पैसे खा चुकी है ये, और नहीं, राजन पति है मेरे और इनके पैसों पर भी सिर्फ मेरा हक है, समझी आप? और ये जो 10 लाख रुपए इन्हें दिए थे ना, वो भी अपनी अयाशी में उड़ा चुकी है, वो पैसे भी यही वापस करेंगी उन्हें। तुम ठीक हो? मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं पाती, मैं फ्रेश हो गया था। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम राजन को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? राजन पति है मेरे, आपकी ने मेरी शादी उनसे कराई थी ना, तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा पति किसी पराई औरत से पैसे लुटाए। क्या कहा तुमने, पराई औरत? माँ हूँ मैं तुम्हारी। क्या कहा? माँ? आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है क्या जैसा आपने मेरे साथ किया? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसे बदतमीजी से कोई अपनी माँ से बात करता है? मार डालूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया, तू तो अपनी औकात ही भूल गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई आरुषि को हाथ लगाने की? तुम अगली बार अगर आरुषि पर हाथ उठाया तो खर्चा पानी बंद कर दूंगा तेरा, सड़क पर भीख मांगती फिरेगी तू, समझी? कुछ तो बहुत हो रही होगी ना बुढ़िया, फिक्र मत कर, तुझे और तेरी इस पोती को अपने पैरों तले ना रोन दिया ना तो मेरा नाम भी मानसी नहीं। आरुषि, 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 आज घर कोई नहीं है। आरुषि अपनी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गई है, और दिन से तुम मेरे कमरे में भी नहीं आए। चलो ना आज कुछ करते हैं।
अपनी जवानी को मेकअप में छुपाओगी मानसी? तुम्हारा टाइम अभी चला गया, इसलिए मुझे अब रिझाने की कोशिश मत करना। बड़ी आई आरुषि की बराबरी करने वाली। आरुषि ने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया, धोखा दिया है इसने मुझे। तू जानता है मैं कैसे रहता हूँ उसके बिना, कैसे जीता हूँ उसके बिना? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। जब तक ना अपने हाथों से सजा नहीं दे दूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, चैन नहीं पड़ेगा मुझे। सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या कुछ कार्यक्रम भी शुरू करें? चलो ना। हाँ हाँ वर्मा जी, नहीं बिल्कुल ठीक है। अभी जस्ट मीटिंग से घर पे आया, अभी अंदर तक नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। हाँ नेक्स्ट वीक मीटिंग करते हैं ना। हाँ हाँ प्रेजेंटेशन रेडी है। ओके कानून अपना काम करेगा। ले जाओ उसे। आरुषि हम सब कुछ छोड़ के जा चुकी है और तुम्हें इस सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा राजन। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझो। मैं कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारी हूँ। तुम सुन रहे हो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पिक्चर साहब क्या है ये? आपने आरुषि के रिश्तेदार को ऐसे कैसे छोड़ दिया? छोड़िए ना, छोड़िए। रोहित ने आरुषि को नहीं मारा। आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला है कि पहले उसके गला तोड़ के हत्या की गई एंड देन उसके बाद चाकू से उसका गला काट दिया। रोहित आरुषि को मारने नहीं बल्कि आरुषि ने उसे खुद बुलाया था ताकि उसके साथ मिलकर इस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाए। आरुषि कल रात को मुझसे मिलने आई थी और मुझे तब भी पता चला कि उसने ये शादी क्यों की, किन हालातों में की। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। जब तक ना अपने हाथों से सजा नहीं दे दूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, चैन नहीं पड़ेगा मुझे। तुम रोहित, तुम मुझे मारना चाहते हो ना?
मार दो मुझे, पर मरने से पहले मैं एक सच तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी राजन जी से धोखे से कराई है। हम लोग भाग चलते हैं ना कहीं पे। हम कहीं भाग चलते हैं। मेरी दादी को छोड़कर नहीं जा सकती, वो लोग मार देंगे मेरी दादी को। हाँ तो हम एक काम करते ना, हम लोग दादी को साथ लेकर चलते हैं। हाँ तुम एक काम करो, कल सारी तैयारी करके ना मुझे फोन करो, मैं गाड़ी लेकर पहुँचता हूँ। फिर हम सब लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। हम यहाँ से दूर चलते हैं, और जब मैं कल यहाँ से लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि आरुषि, चाकू पकड़ा हुआ था तो सब लोग वहां पहुंच गए और सबको लगा कि मैंने आरुषि को मारा है। मैंने आरुषि को नहीं मारा। अगर रोहित ने आरुषि को नहीं मारा तो आरुषि को किसने मारा? आरुषि के हत्या के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भला मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी? महेंद्र, देखे आओ जरा। इन्हें आप जानते हैं या फिर मैं बताऊं? जब हमें पूरा यकीन हो गया कि आरुषि की हत्या रोहित ने नहीं बल्कि किसी और ने की है, तो उसके बाद मेरा शक पहले आप पर और फिर आरुषि के पति राजन पर हुआ। फिर हमने आप दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। राजन के कॉल रिकॉर्ड तो क्लीन थे और आपके कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि आपके हत्या से पहले कई बार हरीश से बात होती थी और जिस समय आरुषि का खून हुआ उस वक्त हरीश की लोकेशन इसी घर की थी। बस फिर होना क्या था? हमने हरीश को उठाया, उससे पूछताछ की, थोड़ी बहुत खातिरदारी भी की और उसने सब पा किया। अब आप बताइए, आप अपने बारे में यहाँ बताएंगे या लॉकअप में? हाँ, मैंने ही आरुषि को मारा है क्योंकि मैं उसे राजन की जिंदगी से बहुत दूर करना चाहती थी। पर आप ऐसा क्यों चाहती थी? क्योंकि मेरी और राजन की डील हुई थी कि अगर मैं आरुषि की शादी उससे करवा दूंगी तो वो मुझे सारे ऐशो आराम की चीजें ला के देगा, मेरे सारे खर्चे उठाएगा। पर शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गया, उसने उसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। और अगर वो मेरी जिंदगी से चला जाता तो मैं रोड पे आ जाती। और फिर मैंने डिसाइड किया कि राजन को अपना बनाना ही पड़ेगा और अगर मुझे ऐशो आराम की जिंदगी वापस जीनी है, आरुषि को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने प्लान करके हरीश को अपने जाल में फंसाया और वो फंस गया और फिर मैंने उसे अपने पास बुलाया। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या हुआ? तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। फिर तुम्हें पालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पता है? तुम बोलो बस। तुम्हें आरुषि को मारना पड़ेगा, वो मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। उसके बदले मैं तुमसे शादी करूंगी। पक्का? पक्का। कब मारना है बेटे को? अगले दिन। मैंने आरुषि को रोहित से फोन पे बात करते हुए सुना तो वो लोग कुछ भागने की प्लानिंग कर रहे थे और फिर मैंने सोचा कि ये मौका बहुत सही है, तो मैंने हरीश को फोन करके अपने घर बुलाया।
खुला। अभी नहीं। रोहित घर पे आया तो मैंने उसे फंसा दिया। अरे पागल औरत, ये क्या कर दिया तूने? मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़िए छोड़िए ने कौन है तुझे? छोड़िए, ये क्या कर रहे हो? कानून को अपने हाथ में मत लो। ये सब क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। लग भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। आइए। आ